अब इसका जो विकल्प है वो क्राइम फ्री भारत ला रहा है। वो कह रहा है कि भाई जितनी भी आध्यात्मिक शक्तियां हैं वो भी मिल जाएं, सभी लोग मिलके, और यदि जो है लोगों को जोड़ने का काम करें, तो हमारे जो आज हमारे वोट से चुने हुए नेता हैं उन्हें हम बेबस और मजबूर कर पाएंगे वो 21 जो है टास्क फोर्स बनाने के लिए। और फिर जिन महारथियों ने, जिन संस्थाओं ने अपना जीवन लगा दिया है, जिसमें गायत्री परिवार भी एक रहेगा, राइट, उन वहां के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने नन्हे जीवन लगा दिया है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनका नाम कहीं नहीं है और चारों तरफ दुष्टता का वातावरण बना हुआ है। तो यदि इन अच्छे काम करने वालों को हम एक जगह इकट्ठा करके, टेक्नोलॉजी और मॉडल बना हुआ है, उनके ज्ञान और अनुभव को डालते हुए उसे और परिष्कृत करके यदि हम जमीन पे उतारेंगे, तो इन्हीं राजनेताओं के माध्यम से वो नियम कानून में कन्वर्ट हो सकता है, राइट। अब 1 मिनट मान लें कि नेता इतने दुष्ट हैं, क्योंकि ना तो इनका सोच है, ना चिंतन है, ना शिक्षा है, ना कार्यकलाप है, तो ये इनके ऊपर दुष्टता सवार है, तो ये तो कुछ करेंगे नहीं। यदि अपने 1 मिनट के लिए एक पैसिव लुक ले लें, तो फिर ये मॉडल ये कह रहा है कि हम जिन लोगों को जोड़ेंगे, सिर्फ यदि हम संकल्प और शपथ के साथ जोड़ें, तो 9 दिन में हम 100 करोड़ हो सकते हैं, राइट। और 100 करोड़ के नंबर से घबराने की जरूरत नहीं है, हमें संकल्प लेना है, शपथ लेना है, प्रयास करना है, लेकिन 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। तब प्रयास करने के बाद यदि कोई नहीं जुड़ता है तो उसे कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मॉडल कह रहा है कि 100 करोड़ लोगों में से 90 करोड़ को सिर्फ जुड़ जाना है, उन्हें यदि किसी को वो नहीं जोड़ पाते हैं तो कोई चिंता के विषय नहीं, केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है, केवल 90 लाख लोगों को 20 को जोड़ना है, केवल 9 लाख लोगों को 30 को जोड़ना है, केवल 90 हजार लोगों को जो है वो 40 को जोड़ना है, केवल 9 हजार को 50 को जोड़ना है, 900 लोगों को ही 60 को जोड़ना है, 90 लोगों को ही 70 को जोड़ना है, और 9 लोगों को 80 को, और एक व्यक्ति को जो है ना 90 लोगों को जोड़ना है। तो यदि हमें महापरिवर्तित भारत मिल सकता है, तो ये बहुत छोटा प्रयास नहीं है। अब आप ये बताइए, जैसे अभी आपका जो ज्योति को अपन घर घर में प्रकाशित करने के लिए ले जा रहे हैं, लोगों को करने के लिए जा रहे हैं, राइट, यदि उसके साथ साथ यदि हम क्राइम फ्री भारत, उसके 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार, जिससे हम और आपकी सभी की जिंदगी बदल सकती हैं, हम उन तक पहुंचा सकते हैं कि नहीं पहुंचा सकते हैं? पहुंचा सकते हैं, बस यही है कि आप थोड़ा सा सेंटर में, जैसे बात हो आपकी जैसे चिन्मय जी से या उससे, तो क्या है, एक पॉलिसी बन जाएगी तो सारे गायत्री परिवार में वो फैल जाती है। अब क्या क्षेत्रीय यूनिट अपने डिसीजन खुद लेने की पोजीशन में नहीं है, ये है यहाँ। नहीं, लेकिन ये हमारी बात, जैसे चिन्मय जी से मेरी 2-3 बार बात हुई है, राइट। एक बार हम गए भी, लेकिन वो उस समय वहां नहीं थे तो मुलाकात नहीं हो पाई, और जो लोग हाँ, नहीं थोड़ा सा अवेलेबल टाइम लेके पता करके उनकी व्यस्तता, एक्चुअली क्या वो सब पूरे विश्व में घूमते रहते हैं इधर उधर, तो उनसे टाइम लेके जाएं, क्योंकि पॉलिसी सारी वहीं से बन के आती है और हम थे। लोग यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं, तो अपनी तरफ से हम लोग कोई पॉलिसी नई कि इम्प्लीमेंट क्षेत्रीय लेवल पर नहीं कर पाते हैं, ये एक परेशानी है। अच्छा, लेकिन अपन एक काम कर सकते हैं, जैसे ज्यूम करिए कि आपका जो विचार मंथन होता है, उस मंथन में हम अपनी बात रखें और वो रिकॉर्डेड रहेगी, वो चिन्मय जी के पास भी भेज देंगे, तो उन्हें आइडिया रहेगा कि हमारा सोच और चिंतन क्या है, फिर हम उस पे जो मुद्दे की बातों पे बात करने में समय कम लगेगा, नहीं तो जो है ना इन बातों को बताने में ज्यादा समय खर्च हो जाएगा। नहीं, जैसे आपके वीडियो में देखता हूं, तो ऐसे वीडियो आप चिन्मय जी को भी भेजते हैं क्या कभी, उनको दीजिए। अच्छा, आप चिन्मय जी का जो है मुझे व्हाट्सएप नंबर भेजिए, तो मैं उस पर भेजना चालू कर देता हूँ, ठीक है, मैं भेज दूंगा। है ना, तो वो ठीक रहेगा। और चिन्मय जी से मेरी कई बार बात हुई है, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी बात नहीं हुई है, और बहुत अच्छी और सकारात्मक बात हुई है, लेकिन वो कहीं कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पा रही है। और मुझे क्या लग रहा है कि देखिए,
ये अभी के उसमें क्या हो रहा है कि हम अंदर की अच्छी बात कर रहे हैं, वो अंदर की बात करने वाला व्यक्ति इसी वातावरण में एग्जिस्ट कर रहा है ना, उसको बाहर जो है ना कोई बगल पड़ोसी जो है ना दुष्टता कर रहा है उसके साथ बिना गलती के, उसके खिलाफ जो है ना झूठा मुकदमा कायम करा दे रहा है, कई बार SC ST और ये सब तरीके के भी झूठे मुकदमे कायम कर दे रहा है, राइट। तो आप इसे भेजिए, मैं ये सोच रहा था कि दोनों काम करते रहें, तब तक जो आपका कोई विचार मंथन हो तो उसको भी, उनको ये लगेगा ना कि हम जो है ना लोकल लेवल पे अपनी बात तो रख रहे हैं, तो ठीक, वो बात जो है ना रिकॉर्ड होकर उन तक पहुंच जाएगी, राइट। तो इस आप तरह अपने का तो इंटरनल मतलब चैनल से विचार भी भेज मंथन देंगे, देखिए होगा। आप डिसीजन ना लीजिए लेकिन उन तक बात पहुंच जाए, वो अपनी स्पीड में देख लें, ये केवल अकेला बात है, राइट। ठीक है, ठीक तो मेरे ख्याल से ये अच्छा हो जाएगा, नहीं तो ठीक बढ़िया। आप तो मतलब उसमें जो है ना यहाँ लोकल लेवल पे हो जाएगी, वो रिकॉर्ड पे आ जाएगी, तो जब भी आप देख लीजिए, जब भी आपका कोई विचार मंथन होता है तो आप कहेंगे तो मैं आपके बीच में पहुंचूंगा बिल्कुल और उनसे समय लेके वहां पे चिन्मय पांडे जी के पास भी पहुंचूंगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, जी बस जी तभी ऐसा मौका जी आएगा मैं आपको बताऊंगा। जी नमस्कार।